आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट एंड ऑन एन इंटरवल। एक पॉइंट पर और एक इंटरवल पर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम। तो भाई 6.2 कंप्लीट हो चुकी, 6.3 एक्सरसाइज है ये एलिमेंट बुक की, और कोई भी बुक हो उसकी लास्ट एक्सरसाइज है ये, ठीक है ना। लास्ट में डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक करनी है हमने इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बच्चों बात करते हैं पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो भाई आपके पास कोई भी जैसे इक्वेशन है, जैसे ये आपके पास एक रिलेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, या ऐसे बोल लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो इसमें जो x है ना, यहाँ पर जो वेरिएबल है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। और y क्या है बच्चों, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो भाई बच्चों ये आपके पास कोई रिलेशन है तो x इसमें क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे कोई रिलेशन आपको दे रखी है, जैसे ये रिलेशन दे रखी है, आप चाहें तो x को डिपेंडेंट बना सकते हैं। यहाँ पर x square की वैल्यू क्या आ जाएगी y-1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों y-1 का स्क्वेयर रूट, प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो अब क्या बन गया, y बन गया इंडिपेंडेंट और x बन गया डिपेंडेंट, ठीक है ना। यहाँ पर y की वैल्यू x पर डिपेंड है, जैसे कि 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी x की जगह, अगर -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू y पर डिपेंड हो गई, लेकिन जो गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर ये गिवन सिचुएशन है तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो जाएगा x। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन होता क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव, एंड दिस प्रोसेस यानी कि हाउ टू फाइंड दिस डेरीवेटिव, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी कि डेरीवेटिव को जो फाइंड आउट करते हैं हम, जो प्रोसेस यूज करके, उसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। यानी कि डेरीवेटिव में और डिफरेंशिएशन में इतना सा डिफरेंस है ये, ठीक है ना। फिर भी क्या है कि आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, 7 चैप्टर जो होगा एलिमेंट बुक का या और किसी भी बुक का डिफरेंशिएशन जो चैप्टर होगा 12th क्लास का, उसमें क्या है आपको लिखा मिलेगा फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डिफरेंशिएशन, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नेम में से कुछ भी मिल सकता है आपको, लेकिन डिफरेंशिएशन में और डेरिवेटिव में ये डिफरेंस होता है बच्चों। सेकंड एक और डेफिनेशन है, अगर वाई आपके पास ये है तो वाई प्लस डेल्टा वाई क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि लेट डेल्टा वाई बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई एंड डेल्टा एक्स बी द कोरस्पोंडिंग इंक्रीमेंट इन एक्स, देन देयर डिफरेंस विल बी डेल्टा वाई इन राइट साइड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो, यानी कि जो चेंज है वो क्या है लगभग जीरो के इक्वल। तो ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली क्या कहलाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं आप इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। डेल्टा एक्स की जगह एच भी लिख लेते हैं हम, एच अप्रोच टू जीरो, जो प्लस वन क्लास में आपने फार्मूला यूज किया था यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, दैट इज इट इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एफ एक्स एंड स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, द रेशियो ऑफ लिमिट ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट इन एफ एक्स एंड स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड इंक्रीमेंट अप्रोच टू जीरो इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था बिल्कुल बच्चों, यानी कि अगर जनरल डेरिवेटिव निकालना है तो आपने ऐसे निकाला था फर्स्ट प्रिंसिपल से बाय डेफिनेशन से, और किसी पॉइंट पर अगर निकालना आपने तो ऐसे निकाला था, देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो ये दो फार्मूले यूज किए थे बच्चों,
ये क्या आ जाएगा एफ डैश ए, ऐसे डिनोट किया जाता है, और ये क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, ये ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, आया समझ में? तो भैया दोनों ही डेरिवेटिव के फार्मूले आपने पढ़े थे 11th क्लास में, अब 12th में डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया आपको क्या होता है। अब आगे बात करते हैं बच्चों इस टॉपिक के बारे में। यहां पर आपने डिफरेंशिएशन निकालने से पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं फंक्शन, डिफरेंशिएबल यानी कि डिफरेंशिएशन होने योग्य है या नहीं आपका फंक्शन। तो उसको कैसे चेक करना है, आप देखिए एल एच डी और आर एच डी दो टर्म फाइंड आउट करेंगे हम। एल एच डी और आर एच डी अगर इक्वल हो जाएगी तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो एल एच डी निकालने का तरीका है बच्चों, एल एच डी को ऐसे भी बोल सकते हो आप, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, और एल एच डी निकलेगा ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अगर ये एग्जिस्ट करता है ठीक है ना, तो भाई इसकी एल एस डी आ जाएगी। अब आर एस डी जो निकालेंगे हम, आर एस डी हो जाएगी बच्चों ऐसे डिनोट होती है आर एस डी, और ये क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगी बच्चों आर एस डी। ठीक है ना, तो एल एस डी और आर एस डी भाई अगर ये दोनों की दोनों इक्वल आ जाएंगी, एल एस डी जो है वो आर एस डी की अगर इक्वल आ जाएगी तो फंक्शन बोला जाएगा डिफरेंशिएबल, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये लिखा हुआ है यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ पर लिखना है डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, तो बच्चों रिवाइज करते हैं अपनी बात को। अगर एफ एक्स कोई फाइनाइट फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ए के ऊपर, तो भाई एल एस डी और आर एस डी अगर इक्वल आ जाए उसमें ए के ऊपर, तो फंक्शन ए पर डिफरेंशिएबल बोला जाएगा। ठीक है ना, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन निकल जाएगा ए पॉइंट के ऊपर। आया समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ऑन एन इंटरवल। इंटरवल पर अगर आपने डिफरेंशिएशन निकालना है, चेक करना है, तो भाई इंटरवल आप जानते हो चार तरह के होते हैं। ये है क्लोज इंटरवल। तो एक क्लोज इंटरवल पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब बोला जाएगा जब ए से बी तक के सभी रियल नंबर पर ये डिफरेंशिएबल हो जाए, ए बी और उसके बीच में आने वाले सभी रियल नंबर के ऊपर अगर ये डिफरेंशिएबल हो जाए, देन वी कैन कॉल दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है ना, ठीक ऐसे ही ओपन इंटरवल पर फंक्शन डिफरेंशिएबल तब हो जाएगा बच्चों जब ये डिफरेंशिएबल होगा ऑल द रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए बी के बीच में जितने रियल नंबर आते हैं उन सब के ऊपर अगर ये डिफरेंशिएबल हो जाए तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोला जाएगा ए से बी ओपन इंटरवल पर। नेक्स्ट है बच्चों सेमी क्लोज इंटरवल। ये क्या है, सेमी क्लोज इंटरवल, और ये क्या है ओपन इंटरवल, और ये क्या है क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, तो बच्चों सेमी क्लोज इंटरवल पर फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे होगा, ए और बी के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर के ऊपर अगर ये कंटिन्यूस हो जाए और साथ में ए पर कंटिन्यूस बोल गया मैं, डिफरेंशिएबल हो जाए ए बी के बीच के सभी रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल हो जाए और साथ में ए पर डिफरेंशिएबल हो जाए, तो ये फंक्शन ए टू बी सेमी क्लोज इंटरवल पर डिफरेंशिएबल बोला जाएगा। और ए पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ ए से स्टार्ट होता है तो ए पर ही चेक करेंगे, ए के लेफ्ट में नहीं करेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे और एफ एफ ऑफ ए चेक करेंगे। ठीक है ना, वैसे जो है कि स्लाइटली लेस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके सिलेबस में ये दोनों इंटरवल हैं ही नहीं बेटा, ये दोनों इंटरवल आपके सिलेबस में मिलेंगे नहीं। ठीक है ना,
तो भाई अगर आपको ऐसा इंटरवल मिल जाए सेमी क्लोज और सेमी ओपन, तो आपने इसको चेक करना है ए से बी के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर के ऊपर। आया समझ में? ठीक है ना। तो डिफरेंसिएबिलिटी ऑन एन इंटरवल हो गई, डिफरेंसिएबिलिटी एट ए पॉइंट हो गई। अब डिफरेंसिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मैं बताऊं आपको। किसी फंक्शन का अगर आप ग्राफ बढ़ाएंगे बच्चों, तो उस फंक्शन के ग्राफ में कहीं पर भी कॉर्नर नहीं बनेगा। ठीक है ना। कहीं पर भी क्या नहीं बनेगा, कॉर्नर। अगर कहीं पर भी कॉर्नर बन गया तो वो फंक्शन डिफरेंसिएबल नहीं होगा। तो कॉर्नर नहीं बनेगा बच्चों, बीच में से ब्रेक नहीं होगा, ग्राफ ऐसे स्मूथली चलेगा इस तरीके से, कोई कॉर्नर नहीं बनाएगा ग्राफ। ठीक है ना। और कॉर्नर क्यों नहीं बनाएगा ये डिटेल से बताऊंगा मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन का यानी कि डेरिवेटिव का और भाई कंटिन्यूअस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना। इसके बाद, इसके जस्ट बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके लिए। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक और टॉपिक करते हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एक थ्योरम के ऊपर। तो तीन तरीके से आप इस टर्म को बोल सकते हैं। फर्स्ट ये लिखी हुई है, एवरी फंक्शन दैट हैज ए फाइनाइट डेरिवेटिव, यानी कि हर कोई फंक्शन जिसका फाइनाइट डेरिवेटिव होता है एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हो, एवरी डेरिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रत्येक डेरिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होता है। तीसरा बोल सकते हो, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिएबिलिटी, यानी कि कंटिन्यूअस और डेरिएबल में, डेरिएबल फंक्शन में क्या रिलेशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए कोई भी फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये टर्म है अपने पास, डिवाइडेड बाई एच और लिमिट एच अप्रोच टू जीरो। ठीक है ना। तो ये इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है ना। कोई भी रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट आएगा इसका। जैसे कि लिमिट में बात करते हैं हम, लिमिट अगर होती है एक्स अप्रोच टू, जैसे वन है और यहाँ पर एक्स प्लस फाइव है, तो इसको हम लिखते हैं सिक्स। एक्चुअली में होता क्या है ये होता है एज एक्स अप्रोच टू वन, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस फाइव अप्रोच टू सिक्स। ठीक है ना। होता है ऐसे बच्चों। तो भाई बच्चों अगर कोई फंक्शन है तो सी पर उसका डेरिवेटिव जैसे हम निकाल रहे हैं, यानी कि फाइनाइट है उसका डेरिवेटिव, तो एक्सप्रेशन एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच टेंड्स टू ए, यानी कि अप्रोच टू फाइनाइट लिमिट, फाइनाइट लिमिट एज एच अप्रोच टू जीरो। सीधी सीधी बात है बच्चों कि भाई जैसे ये इसमें लिमिट लगाई मैंने एक्स प्लस फाइव के ऊपर, एक्स अप्रोच टू वन, तो इसका आंसर क्या आ गया, फाइनाइट। यानी कि एक्स अगर वन को अप्रोच करता है तो एक्स प्लस फाइव सिक्स को अप्रोच करता है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आई। तो ये अगर डेरिएबल फंक्शन है तो उसमें ऐसा होगा कि इसके ऊपर जो लिमिट अगर एच अप्रोच टू जीरो होगा तो ये भी अप्रोच टू फाइनाइट होगा, यानी कि इसके भी कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है ना। आया समझ में। तो देखो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि आपके पास ये टर्म है एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, तो क्या करते हैं इसको एच से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एक बार देखो, एच से मल्टीप्लाई किया और एच से डिवाइड किया। क्यों किया? डेरिएबिलिटी की कंडीशन के लिए, यानी कि डेरिएबिलिटी की जो डिनोटेशन है उसके लिए। अब बच्चों क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं इसमें दोनों साइड ही। यहाँ पर लिमिट अप्लाई की मैंने, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ओफ सी प्लस एच और माइनस एफ ओफ सी। ठीक है ना। और राइट में यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई की मैंने, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो और एफ ओफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच और इंटू एच। ठीक है ना। अब आप जानते हो जैसे कि 11th क्लास में आपने पढ़ा है बच्चों कि भाई लिमिट जो है वो
सम और डिफरेंस के अंदर चली जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है ना। लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसा पढ़ा था आपने, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स है अगर आपके पास, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी एक्स, ठीक है ना, आया समझ में। और अगर यहाँ पर प्रोडक्ट है बच्चों, प्रोडक्ट है जैसे, तो ये प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ठीक, ऐसे यहाँ पर मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ सी, ठीक है ना। और राइट में भी क्या है, इन दोनों के ऊपर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच, यहां पर आ जाएगी लिमिट एच अप्रोच टू जीरो और एच, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, अब क्या है, कांस्टेंट के ऊपर आप जानते हैं लिमिट लगती नहीं, लिमिट एक्स अप्रोच टू वन है जैसे, और यहां पर फाइव है, तो इसका मीनिंग है कि एक्स जो है वो वन की तरफ आने लग रहा है, लेफ्ट या राइट साइड से वन को अप्रोच करने लग रहा है जैसे एक्स, तो भाई फाइव किसको अप्रोच करेगा, तो फाइव तो अपनी जगह पर रहेगा, तो इसलिए कॉन्स्टेंट के ऊपर कभी भी लिमिट अप्लाई नहीं होती बच्चों, ठीक है ना, ये आपने प्लस वन क्लास में पढ़ लिया। तो ये हो गया आपका लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ सी, क्योंकि एफ ऑफ सी तो एक कॉन्स्टेंट हो गया ना फंक्शन की सी पर वैल्यू। और ये क्या हो गया, ये मैंने अभी बात की थी आपसे, अगर फंक्शन डेरिएबल है यानी कि उसका डेरिवेटिव फाइनाइट है किसी पॉइंट के ऊपर, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगी लिमिट जैसे जैसे एच जीरो को अप्रोच करेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एफ डैश सी, ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव की डेफिनेशन तो है ये, और यहाँ पर जो लिमिट लगाएंगे इसमें तो ये आ जाएगी जीरो के इक्वल। अब भाई जीरो की और किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जीरो नहीं होती आप जैसे जानते हैं, लेकिन हम कह चुके इसके बारे में कि ये क्या है, फाइनाइट, ये फाइनाइट लिमिट को अप्रोच करता है, तो ये क्या है, फाइनाइट नंबर। तो फाइनाइट नंबर की जीरो के साथ मल्टीप्लाई जो होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो, ठीक है ना। तो राइट साइड में क्या हो गया, ये जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, और राइट में हो गया जीरो। तो भाई एफ ऑफ सी को राइट में ले जाते हैं, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, इसको राइट में ले गए हम, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हैं हम लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर सी ले लिया तो सी लेंगे यहां पर एफ ऑफ सी। तो बच्चों ये क्या है कंडीशन, ये कंटिन्यूटी की तो कंडीशन है ना, विच शोज दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, जो कि शो करता है कि एफ एक्स क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो भाई बच्चों एवरी डेरिएबल फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी कि कोई भी फंक्शन अगर ए पॉइंट पर डेरिएबल है तो ए पर कंटिन्यूअस जरूर होगा वो, कोई भी फंक्शन अगर सी पर डेरिएबल है तो सी पर कंटिन्यूअस जरूर हो जाएगा वो, ठीक है ना। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी कि सभी डेरिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रीजन ये है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन वैसे मैंने बताया था कि डिटेल से बताऊंगा अगली वीडियो में। तो भाई कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, जो बीच में कहीं पर भी जिनका ग्राफ ना टूटे, ठीक है ना, ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। और ये क्या है, ये है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, बीच में ग्राफ टूट गया इसका, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना।
तो कंटिन्यूअस जान गए आप क्या होता है ज्योमेट्रिकली, जिसका ग्राफ कहीं पर भी ना टूटे बीच में। ऐसा क्यों होता है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो भाई ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस। डेरिएबल कौन होता है जिसका ग्राफ बीच में ना तो टूटे और ना कोई कॉर्नर पॉइंट बनाए। तो इसका ग्राफ ना तो बीच में टूटा हुआ और ना कोई कॉर्नर पॉइंट बनाता ये। तो ये फंक्शन क्या है, डेरिएबल भी है, डेरिएबल भी हो गया, कॉन्टिन्यूअस तो ये पहले से था। और ये फंक्शन केवल क्या है, कॉन्टिन्यूअस, डेरिएबल नहीं है बच्चों, क्योंकि ये कॉर्नर बनाता है बीच में। तो यानी कि डेरिएबिलिटी चेक करते समय ग्राफ में दो बातें चेक की जाती हैं, कॉर्नर भी ना बनाता हो, टूटता भी ना हो बीच में, ठीक है ना। और नहीं टूटेगा तो कंटिन्यूअस अपने आप हो जाएगा, जबकि कंटिन्यूअस में केवल ये चेक करना है कि कहीं उसका ग्राफ टूटे ना बीच में, ब्रेक ना लगे, कॉर्नर पॉइंट बेशक से बनाता रहे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये मैंने प्रूव भी कर दिया और ज्योमेट्रिकली भी बता दिया आपको, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी डेरिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो डेरिएबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है कि डेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर डेरिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर हो जाएगा, डेरिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कंटिन्यूअस है तो डेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, केवल और केवल एक ही बात है, अगर डेरिएबल होगा तो कंटिन्यूअस डेफिनेटली होगा, ठीक है ना, एक पॉइंट के ऊपर। अब बात करते हैं इंटरवल के ऊपर। अगर फंक्शन एक इंटरवल के ऊपर डेरिएबल है, जैसे इस इंटरवल के ऊपर डेरिएबल है, ये ए से बी के ऊपर एक्स इक्वल टू ए यहाँ पर है और एक्स इक्वल टू बी यहाँ पर है, तो एक इंटरवल के ऊपर अगर ये डेरिएबल है तो उसी इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन ए से बी एनी इंटरवल के ऊपर अगर डेरिएबल है तो उस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये थ्योरम थी भाई बच्चों आपकी। अब स्टार्ट करते हैं 6.3 डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत डिस्कस करो मेरे साथ।